हेलो अमिकोस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ शिप्स एंड कार्गोज दे कैरी। मेरा नाम है सलमान, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग शिप सलमान में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोगों को पता है, शिप इज अ फ्लोटिंग वेसल एंड इट इज मेड अप ऑफ आयरन। मगर क्या आप लोगों को ये पता है, 90% ऑफ द वर्ल्ड कमोडिटीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मीन्स ऑफ ships। एक एक करके देखेंगे। पहला है कंटेनर ships। कंटेनर ships इसको हर किसी ने कहीं ना कहीं तो देखा है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले इसी का फोटो आएगा। और हमारे घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटेनर ships से ही आती हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स हो गए, फ्रिज हो गए, ये सब इसमें ही आ जाते हैं। और कंटेनर का साइज़ जो होता है वो 20 फुट या तो 40 फुट का होता है। और इनको शिप्स पे इसी इस तरह रखने का एक प्रोसीजर होता है, उसको कंटेनराइजेशन कहा जाता है। इस टॉपिक पे, कंटेनराइजेशन पे, हम किसी दिन किसी वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। अगला है गियर्ड कंटेनर शिप्स। गियर्ड कंटेनर शिप्स आर नथिंग बट द कंटेनर शिप्स ओनली, बट दे हैव देयर ओन गियर फॉर लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग। दे नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर शोर फैसिलिटीज़ फॉर लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये जो लाल वाले दिख रहे हैं, ये इनके गियर हैं, ये खुद लोडिंग और डिस्चार्जिंग अपने से कर लेते हैं। अब इसके बाद है गियर्ड बल्क कैरियर्स। बल्क कैरियर्स मतलब इनको बल्क फ्राइटर या बल्कर भी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े होल्ड्स होते हैं, होल्ड्स मतलब कंपार्टमेंट्स, बड़े बड़े रूम होते हैं, और इसके अंदर बल्क कार्गो रखा जाता है। बल्क कार्गो जैसे ग्रेन, ओर, कोल, सीमेंट, ऐसे सब कार्गोस को एक बल्क में लेके यहाँ से वहाँ तक जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। के बाद है गियर्ड बल्क कैरियर्स, वही मतलब हुआ। गियर्ड मतलब ये किसी शोर फैसिलिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनके पास खुद के गियर होते हैं लोडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। और इसके बाद है गियरलेस बल्क कैरियर। आप फोटो में देख सकते हैं कि ये पोर्ट पर डिपेंड है लोडिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। गियरलेस मतलब इनके पास गियर नहीं है। फिर अगला है यूएलसीसी। यूएलसीसी मतलब अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर। इनको सुपर टैंकर्स भी कहा जाता है। और दिस इज़ द लार्जेस्ट टैंकर एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट मैनमेड मोबाइल यूनिट। इसका जो साइज़ होता है वो 320,000 से लेके 5 लाख डेडवेट टनेज होता है। और इसका जो लेंथ होता है 415 मीटर्स लेंथ होता है और 60 मीटर्स तक ब्रेथ होता है। आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे एक चलता फिरता आइलैंड, जस्ट इमेजिन। वीएलसीसी का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। इसका जो नॉर्मल डायमेंशन होता है वो 300 से 330 मीटर लेंथ में होता है और 58 मीटर ब्रेथ होती है इसकी। ये तो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड इसका। इससे भी बड़ी बड़ी शिप आज भी अपने ओशंस में सेल कर रही है। अगर कोई फ्रेशर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है और उसने यूएलसीसी और वीएलसीसी देख लिया, तो डेफिनेटली उसके रिएक्शंस यही होंगे। स्विजमैक्स में आपको इतना ही बस याद ध्यान में रखना है कि स्विजमैक्स वो शिप होते हैं जिनको इस तरह बनाया जाता है कि वो स्विस कैनाल से इजीली पास हो सके। और उसी तरह एक ये पैनामैक्स है। पैनामैक्स मतलब भी वो शिप्स, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, जो पनामा कैनाल से इजीली पास हो सकते हैं। फिर एफ्रामैक्स। एफ्रामैक्स का फुल फॉर्म है एवरेज फ्राइट रेट असेसमेंट। इसको नॉर्मली स्मॉल क्रूड टैंकर भी कहा जाता है। नॉर्मली 80,000 से 120,000 डेडवेट टनेज इसका होता है। प्रोडक्ट टैंकर, इसको पेट्रोलियम टैंकर भी कहा जाता है। दीज आर द शिप्स डिजाइंड स्पेशली टू ट्रांसपोर्ट बल्क प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम रिफाइनरीज टू द पॉइंट नियर कंज्यूमेबल मार्केट्स। फिर केमिकल कैरियर, एज द नेम सजेस्ट, केमिकल कैरियर मतलब ये केमिकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वो भी जैसे डेंजरस केमिकल्स हैं। और मैं जो शिप पर सेल करके आया हूँ वो केमिकल कैरियर ही था। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हमें सैलरी अच्छी मिलती है, मगर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है। और आईबीसी कोड ने केमिकल कैरियर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसके बारे में हम किसी दिन अच्छे वीडियोज में बात करेंगे। दीज आर द शिप्स विच आर टैंक शिप्स। दीज आर स्पेशली डिजाइंड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी कैरियर, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये शिप्स में ऐसा होता है कि जो पेट्रोलियम गैसेस होते हैं उनको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको एलपीजी कैरियर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में गैस ट्रांसपोर्ट हो सके।
बीबो बल्क इन बैग्स आउट, या आप इसे बल्क इन बल्क आउट भी कह सकते हैं। देर इज वन शुगर ऑस्ट्रेलिया विच यूजेज दिस शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ शुगर इन बल्क इन वेरी हाइजीनिक कंडीशन। इनके जो होल्ड्स मतलब कंपार्टमेंट्स होते हैं वो वेल वेंटिलेटेड और एयर कंडीशनड होते हैं, जो कार्गोज को काफ़ी हद तक ख़राब होने से बचाते हैं। लाइव स्टॉक कैरियर, दिस शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिविंग एनिमल्स लाइक काउस बफेलोस गोट्स शिप्स कैमल्स सर्कस मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने को मिलता है। ओबो ऑयल बल्क ओर कैरियर, ये 1970s के टाइम बहुत एग्जिस्टेंस में थी, मगर 1980s के बाद धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगी, क्योंकि बाद में पता चला कि जो इसका मेंटेनेंस होता है वो बाकी शिप्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये ड्राई और वेट कार्गो एक साथ कैरी कर सकती थी। कार कैरियर, दिस शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट कार्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जैसे हमारे यहाँ ही हम देखते हैं कितने बाहर के कंट्रीज़ की कार होती है, वो इसी में इम्पोर्ट होकर आती हैं, और अगर हमारे यहाँ से कोई कार एक्सपोर्ट हो रही है तो वो इसी में एक्सपोर्ट होकर जाती है। रोरो पैसेंजर फेरी, ये पैसेंजर शिप्स ही होते हैं, मगर इनकी खासियत ये होती है कि जो लोग इसमें घूमने जा रहे हैं, जो गेस्ट इसमें घूमने जा रहे हैं, वो अपने साथ अपने व्हीकल्स को ले जा सकते हैं, जैसे उनकी कार जीप बाइक वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ऑफशोर सप्लाई वेसल्स, ये वेसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो इसको एक अच्छे से समझते हैं। जैसे हमें मंडे तक पोर्ट पर कोई भी हालत में पहुंचना है, मगर किसी न किसी रीज़न से हम लोग पोर्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं, और हमारे शिप पे जो राशन है जिसको हम प्रोविजंस बोलते हैं वो भी ख़त्म हो गया है, और क्रू चेंज भी करना है, और उसी दिन उनकी फ़्लाइट भी थी क्रू की, तो ऐसे समय में ये जो ऑफशोर सप्लाई वेसल होते हैं ये हमें प्रोविजंस भी ला के देते हैं और उसमें साथ में क्रू को भी लेकर चले जाते हैं। ऑयल रिग, दिस रिग्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट एंड स्टोर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द सी बेड। इसका बेनिफिट ये है कि जो इसमें काम करते हैं वो 15 दिन ऑन और 15 दिन ऑफ कर सकते हैं, मतलब 15 दिन काम करेंगे 15 दिन घर पे रहेंगे फिर 15 दिन काम करेंगे, इसी तरह इसका साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो इसका डिमेरिट है वो ये है कि इसमें लाइफ रिस्क ज़्यादा होता है। मॉडर्न रिफर शिप, दिस शिप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेफ्रिजरेटेड आइटम्स लाइक पोल्ट्री फिश मीट चीज़ मिल्क एंड मैनी मोर। इनके जो कंपार्टमेंट्स या आप कहो कंटेनर्स जो होते हैं वो फुली रेफ्रिजरेटेड होते हैं, जो -18 और उससे भी कम होते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें कोई चीज़ फ्रेश खानी है तो हम पोल्ट्री शॉप फिश शॉप मीट शॉप जाते हैं, हमें फ्रेश मिल जाती है, मगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ ये सब इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो वो रेफ्रिजरेटेड आइटम्स खाते हैं, तो ये शिप वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करती है, और हमारे शिप में हम खुद रेफ्रिजरेटेड मीट पोल्ट्री फिश यही सब यूज़ करते हैं। पैसेंजर शिप्स, दिस शिप्स आर मेनली यूज्ड फॉर वैकेशनिंग। हर कोई चाहता है मेरा भी वैकेशन इसी शिप पर गुजरे। एवरीवन गोज हियर एंड स्पेंड देयर टाइम लाइक अ किंग। आपको याद होगा एक शिप सिंक हुआ था टाइटेनिक, उसके डूबने के बाद एक कन्वेंशन फोर्स में आया जिसका नाम है सोलास, मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इस कन्वेंशन में ये बताया गया है ह्यूमन लाइफ का कितना इंपॉर्टेंस है और उसे इमरजेंसी सिचुएशन में बचाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर और स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें क्रू और पैसेंजर्स जो घूमने जा रहे हैं दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है और बताया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हें कैसे अपने आप को बचाव करना है। मतलब ये मान के चलो कि पहले के कंपैरिजन में आज के पैसेंजर शिप्स बहुत सेफ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक कि आप लोगों को शोर लियो। मगर याद रहे अगले वीडियो में मस्टर है तो सबको प्रेजेंट रहना है, अटेंडेंस कंपलसरी है। तब तक के लिए गुड बाय।